इन दोस्तों संगीत आपका मार्शल बाप की फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। जहाँ देखने को मिलेगा किस तरह से अब अक्षरा हर्षवर्धन को मनाते नजर आएगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से यहाँ पर हर्षवर्धन भड़कते नजर आएगा तो दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु को मनीष आरती उतारकर उसे शगुन भी दे देता है और यहाँ पर अभिमन्यु थैंक यू सॉरी भी बोलता है। और देखने को मिलता है कि अनिशा को भी शगुन का सिक्का मिलता है और अब जल्दी से जल्दी घर वालों से बात करनी होगी। जिसके बाद देखने को मिलता है कि आरुही को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। सभी लोग अक्षरा के साथ में सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। अक्षरा यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु में उन्हें कार्तिक और नायरा नजर आ रहे हैं और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलेगा हर्षवर्धन बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है और अभिमन्यु के काफी एक्साइटमेंट में के साथ में वहां पर पहुंचता है। शगुन वगुन सब सारी चीजें बताता है और इतनी देर में हर्षवर्धन भड़कता है और कहता है कि हाँ इस माँ और बेटे की बहनली भगत है। अब मुझे पता चल गया कि मनीष गोयनका क्या करना चाहते थे, अपने अक्षु के नाम की घुट्टी पिला रहे थे मेरे बच्चे को। जिसके बाद यहाँ पर बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा होता है और अभिमन्यु और हर्षवर्धन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महिमा बीच में टपकती है और हर्षवर्धन को समझाने की कोशिश करती है कि अक्षरा से बेटर और कोई नहीं हो सकती, शायद मंजरी ही जैसी है वो, इसलिए उसमें उसकी माँ की झलक नज़र आती है। और ये सब कुछ आप सबको थोड़ा सा अजीब भी लगता है लेकिन महिमा यहाँ पर अभिमन्यु का साथ इसीलिए दे रही थी क्योंकि उसमें उसी का फ़ायदा है कि वो घर परिवार को संभालेगी और हम सब लोग काम करते रहेंगे। जिसके बाद देखने को मिलता है अभिमन्यु बुरी तरह से भड़क जाता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको हमारी शादी में नहीं आना तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप प्रैक्टिकल सोचते हैं ना तो ऐसा करिए शादी में बताइएगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा दूसरी तरफ अरुई काफ़ी गुस्से में होती है और वो गिटार तोड़ने ही वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर अक्षरा आ जाती है और उसे लगता है कि वो काफ़ी आरुई खुश है लेकिन आरुई खुश नहीं है, ये उसे पता भी नहीं चलता। और अक्षरा को टेंशन है कि पता नहीं वो घर वहाँ पर अभिमन्यु के साथ क्या हो रहा होगा। और यहाँ पर अक्षरा उसे कॉल करके पूछने ही वाली होती है लेकिन यहाँ पर मंजरी बीच में आती है और फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तो दूसरी तरफ हर्षवर्धन यहाँ पर घर छोड़ने का फैसला करेगा और बहुत बड़ा फैसला लेगा। अब देखना होगा कि अक्षरा कैसे हर्षवर्धन को भी मनाती है जैसे नायरा ने मनीष को मनाया था। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और अब अक्षरा ही होगी जो अभिमन्यु और हर्षवर्धन के बीच की गलतफहमियां दूर करते नजर आएगी।